नोट की कीमत को 5 किलो आटे के साथ मत तोड़िए। तो क्या 5 किलो का वजन ज्यादा भारी होगा या आपके बच्चे की लाश आपके कंधे पे भारी होगा? हरे झंडे जो मुस्लिम समुदाय की पहचान है, वहीं पर नीले झंडे जो दलितों की पहचान है, अगर एक साथ उस सड़क पे आ जाए एक दूसरे के हक अधिकार के लिए, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत है कि आपको आतंकवादी वो बोल सके? बहन जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनी, किसी की औकात थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगा दे? दलितों का और मुसलमानों का जो पिछड़ेपन का कारण है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कमजोर होने का मुख्य कारण है। आपके लोग सत्ता में नहीं है। अगर हम बात करें मुस्लिम समाज के कितने लीडर है, बहुजन समाज के, अगर दलित समाज की बात करें एक दो लीडर है, लेकिन वो अंदर सत्ता में नहीं है। तो आज दलितों का और मुसलमानों का जो पिछड़ेपन का कारण है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कमजोर होने का मुख्य कारण है। और इस बात को चाहे मुस्लिम समुदाय हो या हमारा दलित समाज हो, उसे समझना होगा अपने नोट की कीमत को 5 किलो आटे के साथ मत तोड़िए। क्योंकि आपके आज के 5 किलो से 5 किलो आप भीख में ले तो सकते हैं, लेकिन जब उसी बच्चे आपके ही बच्चे की लाश आपके मार दिया जाएगा ऐसे विरोध प्रदर्शनों में, आपके बच्चों को मार दिया जाएगा, तो क्या 5 किलो का वजन ज्यादा भारी होगा या आपके बच्चे की लाश आपके कंधे पे भारी होगा? बहुत बड़ी बात आपने की, सही बात। तो ये बात हमारे लोगों को समझनी होगी। अपनी जो मैं बार बार कहता हूँ, जो बहुजन समाज की एकता है, SC ST OBC और माइनोरिटीज, इनको एक आना होगा। अभी ओबीसी समाज पूर्ण रूप से नहीं आया है। ओबीसी समाज की कुछ जातियां इस बात को एग्री करने लगी कि हम बहुजन समाज का अभिन्न अंग। बहुत से हिंदू कट्टर हिंदू थे, अब बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। लेकिन एक बात इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं दलित समाज और मुस्लिम समाज तो इस बात को जानता है, आपको आपका दुश्मन की पहचान है, आपका दुश्मन कौन है, आपके हक अधिकारों पे हमला करके किसने कब्जा किया हुआ है। जब आपको ये सारी चीजें पता है तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने दुश्मन की जब आपको पहचान है तो अपने दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। पर जिस तरह से हमने देखा कि जब ये कार्रवाई की मांग करने मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरता है, विरोध प्रदर्शन जताता है, जो कि संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताना, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देखेंगे कि उसी भीड़ को दिखाकर, उस विरोध प्रदर्शन को दिखाकर ये सवाल पूछा जाता है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये देश संविधान से चलेगा, ये सरिया से नहीं चलेगा, यानी डिबेट का जो मुद्दा है वो उस तरफ मोड़ दिया जाता है। क्यों वो लोग उतरे हैं सड़क पर, इस पर कोई बहस नहीं करता? क्या आपको लगता है कि इस देश का जो मुसलमान है, क्या वो संविधान पर भरोसा रखे बिना ही सड़कों पर उतरता है? देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी कमियां हम लोगों की भी और दूसरे की भी, लेकिन बार बार याद रखिये अगर शुरुआत हमें करनी होगी तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, दूसरी तरफ से नहीं। और उसका मुख्य कारण इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए जब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरता है, ये लोग उन्हें आतंकवादी बता के या कुछ चीज कह के प्रोपेगेंडा एक फैला देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर उनके साथ अगर दलित समाज के नीले झंडे भी साथ खड़े हो जाए तो क्या उनकी औकात है बोलने की? मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर देश का बहुजन समाज में दलित और मुस्लिम समाज एक साथ आ जाए और अगर वहां पे हरे झंडे जो मुस्लिम समुदाय की पहचान है, वहीं पर नीले झंडे जो दलितों की पहचान है, अगर एक साथ उस सड़क पे आ जाए एक दूसरे के हक अधिकार के लिए, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत है कि आपको आतंकवादी या वो बोल सके? भाई तब पूरा दलित समाज आपके साथ खड़ा हो। इसके लिए आप लोग, हम मैं बार बार कहता हूँ, जो मुस्लिम समाज आया और दलित समाज के लीडर्स आए हैं, इन्हें आपस में चर्चा करनी है। हो क्या रहा है, मैंने अभी तक पिछले कुछ समय में जब मैं मुस्लिम समाज के पास गया और दलित समाज के साथियों के पास मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, अपने समाज के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो एक बात निकल कर आई, हम लोग एक होने की बात तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। हम चाहते एक दूसरे का वोट हमें ट्रांसफर हो, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे के दुख में साथ खड़े नहीं होते। और अगर हम खड़े होते हैं, जैसे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन इस बात को मुस्लिम समुदाय के भी कुछ साथियों को समझना होगा, देखिए दलित समाज ने जो पीड़ा आज आप झेल रहे हैं, ये पीड़ा कई हजार साल तक झेली है और वो जानता है इस दर्द से निकलना कितना मुश्किल होता है और जब उसका सामाजिक शोषण होता है तो किस लेवल पर होता है। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए अगर उन्हें कोई सही तरह से समझा सकता है, वो दलित समाज से निकल सकता है, क्योंकि वो निकला है। लेकिन क्या हुआ, जैसे शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, तो जब वहां दलित समाज के लोग वहां जाते थे सपोर्ट में गए,
तो वहीं पर मुस्लिम समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग जो पत्रकार है वो सोशल मीडिया में लिखता है कि वो बिरयानी खाने आते थे हमारे, यानी कि अगर दलित समाज आपके साथ खड़ा होने वहां पे आया है, आपके आंदोलन में आपके साथ आने की तैयारी कर रहा है, तो क्या बिरयानी खाने आया, क्या ये सही था? गलत। और इसी तरह जब दलित समाज के कार्यक्रम होते हैं तो मुझे बताइए आप, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं हम बात करें तो दो चार मुस्लिम चेहरे तो आपको वहां दिख जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा क्या मुस्लिम चेहरे वहां दिखाई देते हैं? ये भी एक शिकायत है। ये शिकायत है क्योंकि जब तक ये दोनों साथ नहीं आएंगे और इसी का फायदा ये समाज जाति के लोग उठाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि देखिए पैगंबर को, नबी को रहमतुल आलमीन कहा गया कि वो सारी दुनिया के लिए रहमत बन गए, इसमें कोई मुस्लिम नहीं होनी, जब इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द बोले गए आपको दुख पीड़ा होती है इस तरह? देखिए दुख पीड़ा तो होगी नॉर्मली, अगर कोई बुद्ध को बोल दे, गुरु नानक को अगर कोई बोलेगा तो हमें दुख होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो है प्यार की भाषा सिखाई, इन्होंने सबको जोड़ना सिखाया ना कि तोड़ना सिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने तोड़ने की बात करी तो हम उनका विरोध करते, लेकिन जिन्होंने जोड़ने की बात करी उन लोगों को आप बोल रहे हैं। लेकिन फिर मैं भाई वापस लाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा हम लोग यूनिटी कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी और बाहर दूसरे चैनलों के माध्यम से बार बार एक बात कहता हूँ, जैसे दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 12% जाटव समाज के लोग हैं, सिर्फ जाटव समाज की कम्युनिटी बता रहा हूँ, दलित जाति की, और 13% मुस्लिम समाज है। अगर 13 और 12% जुड़ जाता तो कितना हुआ? 25% हो जाता है। 25% में और दलित जातियां मिल जाती हैं तो वह 30% हो जाता है। अब 30% वाला इकट्ठा होने के बावजूद भी हम अपनी सरकार नहीं बना पाते, अपना सीएम नहीं बना पाते। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, अब मैं अपने दलित भाइयों से खास कर हिंदू मुस्लिम, अब मैं अपने जो अपने अपने हमारे जो दलित समाज भाई है उनसे सवाल करूंगा, अगर मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट करके 4 बार बहन जी को अगर मुख्यमंत्री बनवा सकता है तो क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री एक मुसलमान नहीं बन सकता? अगर आप 85% की बात करते हैं तो 85 को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना, क्योंकि बाबा साहब को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुजन मूवमेंट को अगर सबसे ज्यादा लीड इस समय कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी ये है बनती है कि सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व इस समय समाज में दिया जाए, जिससे एक भाई भाइयों में एकता बने और ये जो आपस में मन मतभेद बने पड़े थे, मनभेद बने हुए थे वो खत्म, और इस तरह की घटनाओं पर भी कंट्रोल लगेगा। और इन जब सत्ता में आप लोग होंगे, आपकी अपनी सत्ता होगी, तो किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि कोई आपके पीर पैगंबर को कुछ गलत बोल सके, बाबा साहब की मूर्तियों को कोई तोड़ सके, किसी की हिम्मत है? अगर आपकी सत्ता है, बहन जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनी, किसी की औकात थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगा दे? पूरा जो उत्तर प्रदेश बोध में बना दिया था। अगर दिल्ली के अंदर अगर आपकी बहुजनों की सरकार बन जाती है तो आपका ही फायदा होगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो हमें इस बात को समझना होगा और सबको मिलकर काम करना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।